हेलो गाइस, टुडे वी टॉक अबाउट रिहाई सॉन्ग वीडियो। अब आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को और उस गाने से थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइबर गेन हुए, मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से गेयर्स मैंने यूज़ किए हैं इस वीडियो के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वीडियो को शूट करते टाइम, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैं अवॉइड कर सकता था, और कैसे अगर आप कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यू और आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो शूट को करते टाइम मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, बिकॉज एज ए क्रिएटर हम कई नई चीज़ों को देखते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं करते करते ही। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट माई कैमरा, जो मेरे पास है कैनन M50 Mark I, जिसमें मैंने कैनन का 50mm लेंस यूज़ किया था। सारी चीज़ों को सेट करते पहले हम कैमरे पे जाते हैं, और जिस कैमरे से अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये कैमरा वही है, तो थोड़ा सा अभी आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज मैं फिर फ़ोन से शूट करता हूँ। सो ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये मेरे फ़ोन से शूट हो रही है और ये है मेरा कैमरा जो भी फुटेज शूट हुई थी इससे हुई थी, ठीक है। ये कैनन का M50 Mark I, ये Mark I है, Mark II नहीं है, स्पेशली मैं बता दूँ लोगों को लगता है, बिकॉज Mark I और Mark II बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस है। छोड़िए, तो ये पूरा गाना इससे शूट हुआ है। अब वापस आते हैं, अपने कैमरा देख लिया, अब आती है लेंस की बारी। लेंस है ये कैनन का 50mm, मैक्सिमम शूट मेरा 50mm से मैंने शूट किया, और 50mm से अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी बात करते हैं। मेरी पूरी वीडियो में बस दो ही क्लिप्स हैं जो मैंने अपने किट लेंस से शूट करी थी, अगर आपने देखी हो तो वो। इन क्लिप्स के अलावा जो शूट हुआ था खाली हमारी 50mm से हुआ है। थर्ड, मेरा DJI Ronin SC, ये एक चीपेस्ट गिम्बल है जो 20,000 रुपये तक का मिल जाता है, जिसमें डिजिटेक मोनोपोड। अब इसकी लेंथ तो मुझे याद नहीं कितनी है, बट अगर आपने मेरी मोनोपोड वाली रील देखी होगी, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे, आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा, मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। और इन सब के अलावा मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ किया था जो मेरे दोस्त का था, जो मैंने उसे वापस कर दिया। प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की थी गाना शूट करते टाइम, फर्स्ट अगर आप 50mm शूट कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए शूट करने के लिए, बिकॉज आप एक लिमिटेड एरिया में शूट नहीं कर सकते 50mm के साथ। अब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, अगर 50mm को क्रॉप सेंसर पर यूज़ कर रहे हो तो उसकी लेंथ आपको 80mm मिलती है। 50mm मुझे पसंद है भी और नहीं भी, बिकॉज ये थोड़ी सी लेंथ की दिक्कत करता है। सेकेंड, गिम्बल। अब गिम्बल के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें लेंसेज चेंज नहीं कर सकते। अब मैं इसके टॉपिक पे एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं। गिम्बल के साथ आप ज़्यादा लेंसेज यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप गिम्बल के साथ लेंसेज बार बार यूज़ करेंगे और चेंज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको बार बार गिम्बल को बैलेंस करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज अगर आप गिम्बल बैलेंस करने बैठे तो आप जो काम आपका एक घंटे का है उस काम को करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। आप बार बार लेंसेज चेंज करोगे, अगर नए नए लेंसेज के साथ इसे बार बार इसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाइटनिंग। मेरे पास कोई एक्सटर्नल बैटरी वाली लाइट अवेलेबल नहीं है इस टाइम, जिसकी वजह से मेरी फुटेज में ग्रेनी थोड़ा सा इफेक्ट आ गया था, बिकॉज मुझे ISO थोड़ा सा हाई करना पड़ा था फुटेज को ब्राइट बनाने के लिए। सो हमने प्रॉब्लम सारी बात कर ली हैं, अब इनके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब 50mm से लेंस शूट करने का बस एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको ब्लर इफेक्ट मिलता है जो और कोई लेंस आपको इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सकता, और किट लेंस के साथ तो आप ऐसा ब्लर निकाल ही नहीं सकते। अगर आप क्रॉप सेंसर के साथ शूट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उस क्रॉप सेंसर में देखें कौन सी कंपनी आपको एक वाइड एंगल में लो अपर्चर पे लेंस प्रोवाइड करती है। और अगर आप कैनन एम सीरीज़ के यूज़र हैं या फिर सोनी अल्फा सीरीज़ के हैं, 61, 62, 63, 64 है इसमें, अल्फा सीरीज़ है कि आई थिंक जो भी है, उसमें सिग्मा का 60mm f/1.4, और यही सेम लेंस बस जो कैनन के लिए बना हुआ है एम सीरीज़ के लिए सिग्मा का 60mm f/1.4 आपको एक वाइड अपर्चर प्रोवाइड करता है 1.4, और आपको वाइड एंगल मिल जाता है 60mm, और ये लेंस आप फोटोज़ में भी बहुत यूज़ कर सकते हो और वीडियोज़ में भी। अगर आपको एक अच्छी खासी फुटेज चाहिए जिसमें आपका हाथ शेक ना हो, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने गिम्बल पे कैमरा लगाया और ये आगे पीछे करा और कैमरा शूट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको गिम्बल के साथ बहुत तरीके से शूट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी फुटेज कैसे शूट होती है। फिल्म लाइन या वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट, सॉन्ग शूट एक दिन का काम नहीं है, लोगों को सालों लग जाते हैं सीखने में और करने में। सारी चीज़ें खत्म, अब आते हैं मेन चीज़ है एडिटिंग। एडिटिंग किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो या फिर कोई सॉन्ग हो, किसी तरह कोई भी वीडियो जिसमें एडिटिंग की नीड होती है, उसमें एडिटिंग की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिटिंग के लिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, अगर आपने मेरी PC वाली वीडियो देखी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखें। बिकॉज जब मैंने PC लिया
उसके बाद मैंने एडिटिंग सही से स्टार्ट करी। उससे पहले मैं अपने लैपटॉप में करता था जो किसी काम का नहीं था। मैं 30,000 के लैपटॉप से प्रीमियम प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को कैसे सीख सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे सीखा है। देखिए, बेसिक सेटिंग्स अगर आपको पता है तो आप खाली कट पेस्ट ये चीज़ें कर सकते हैं। आपने कट किया, यहाँ से फुटेज उठाई, वहाँ डाली, ये सब हो जाता है। बट एडिटिंग के साथ आपको इफेक्ट्स क्रिएट करना, ट्रांजिशंस लगाना, वीडियो के कौन से कट पे क्या लिखाना, बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को तक पहुँचाएँ और प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।